बागपत में अनियंत्रित होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से नीचे गिरा कंटेनर दबने से चालक की मौत। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के रटोल में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। यहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर सिंगोली और गोना गांव के बीच अनियंत्रित कंटेनर शुक्रवार की सुबह पलट गया, जो नीचे गिर गया। कंटेनर के नीचे दबने से चालक सलमान 30 वर्ष निवासी साहपुर ताहिरपुरा खैर जनपद बदायूं की मौत हो गई। बदायूं जिले के साहपुर ताहिरापुर खैरा गांव का रहने वाला चालक सलराम कंटेनर चालक है, जो शुक्रवार की सुबह कंटेनर में गाजियाबाद से माल लादकर सोनीपत हरियाणा जा रहा था। जैसे ही सिंगोली तगा गांव गोना गांव के बीच अंडरपास के पास पहुंचा तो उसका कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से नीचे जा गिरा। हादसे में चालक सलमान कंटेनर के केबिन में दब गया। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। चांदी नगर पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद चालक का शव बाहर निकाला। कंटेनर में मिले आधार कार्ड से शिनाख्त कर परिजनों को और गाड़ी मालिक को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। कमोनू नीचे क्या होता है।